झारखंड में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में आदिवासियों और मुसलमानों की आबादी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि राज्य के संथाल परगना में पिछले कुछ सालों में आदिवासियों की संख्या में कमी आई है, जबकि यहां पर मुसलमान बढ़ गए हैं। पार्टी का कहना है कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है। पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की है। भौगोलिक तौर पर झारखंड चार हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें संथाल परगना, कोल्हान, उत्तर छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर है। संथाल परगना इलाके में झारखंड के 6 जिले आते हैं, जिसमें गोंडा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। आइए जानते हैं झारखंड के डेमोग्राफी का पूरा मामला क्या है। झारखंड बीजेपी के मुताबिक साल 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई थी, उस वक्त संथाल परगना के जिलों में आदिवासियों की आबादी 44.67% थी, 9.44% मुसलमान थे, 45.9% आबादी दलित, ओबीसी और सवर्ण समाज की थी। 1971 में इस आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। साल 1971 में आदिवासियों की संख्या में गिरावट हुई और इस साल संथाल परगना में आदिवासी 44.67 से 36.22% हो गए। मुसलमान 9.44 से बढ़कर 14.62% हो गए। 1981 के जनगणना में आदिवासियों की आबादी में मामूली बढ़त देखी गई। इस साल के जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासियों की संख्या 36.80% थी, वहीं मुसलमानों की संख्या में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना में घटकर आदिवासी करीब 28% पर पहुंच गए, वहीं मुसलमानों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। मुसलमान यहां बढ़कर 22.73% पर पहुँच गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के मुताबिक इस इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रवेश हुआ है। झारखंड का संथाल परगना बंगाल सीमा से लगा हुआ है और इसी के जरिए इन इलाकों में बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। पूर्व सीएम चपे सोरेन ने विधानसभा में इसको लेकर एक बयान दिया था। उनके मुताबिक आदिवासियों की आबादी पूरे झारखंड में कम हुई है। ये क्यों हुआ, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। आदिवासियों को उसके हक और अधिकार मिले तभी बात बन सकती है। संथाल परगना में धर्म परिवर्तन भी आदिवासियों के कम होने की बड़ी वजह है। 2017 में सरकार ने इसको लेकर कानून भी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों से जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। आबादी के इस मामले को बीजेपी विधानसभा से लेकर चुनाव आयोग और राज्यपाल तक के सामने उठा रही है। पार्टी चुनाव से पहले इस मामले को धार देना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे दो मुख्य कारण हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और मुसलमानों का एक गठजोड़ तैयार किया था। हेमंत ने इसी समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस और आरजेडी से गठबंधन किया। टिकट बंटवारे और मैनिफेस्टो में भी इन्हीं समुदाय को तरजीह दी गई। हेमंत का यह समीकरण हिट रहा और बीजेपी की सरकार चली गई। हालिया लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी और मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, जिसके कारण आदिवासी बहुत सभी 5 सीटें बीजेपी हार गई। बीजेपी डेमोग्राफी का मुद्दा उठकर इस समीकरण को झारखंड खासकर संथाल परगना में तोड़ना चाहती है। संथाल परगना के 6 जिलों में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 18 में से सिर्फ 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। रघुबर दास को छोड़ दिया जाए तो अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब आदिवासी समुदाय के ही रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। रिजर्व सीट को छोड़ भी दिया जाए तो करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी मतदाताओं का दबदबा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इन दोनों ही सीट खूंटी जिले की थी। हालिया लोकसभा चुनाव में खूंटी में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा यहां से चुनाव हार गए। ऐसे में आदिवासियों को साधना बीजेपी के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासियों के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है।